हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर गिरिजा व्यास ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर व्यास अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली के रूप में सीधी जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष गिरिजा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान टिकट वितरण से असंतुष्ट कांग्रेस नेता सुरेश श्रीमाली, दिनेश श्रीमाली और पंकज शर्मा भी व्यास के साथ नजर आए। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यास पत्रकारों से भी रूबरू हुई। व्यास ने कहा कि उदयपुर सबसे सुंदर शहर है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 15 वर्षों में यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा आयर नदी का विकास हो या सड़कों के विकास की बात हो, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। पूर्व की गहलोत सरकार के समय की योजनाओं को भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। व्यास ने इस मौके पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा गिरिजा व्यास की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में दिए गए बयान पर अपना पलटवार किया है। गिरिजा ने कहा कि गुलाब जी भाई साहब है, इसलिए वे मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैं गुलाब जी की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।